सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 5 ऑफ लेट ट्रिप एंड सुबह के 10 बज रहे हैं. अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा है एंड अब हम लोग एक बहुत फेमस जगह जा रहे हैं, दी रैंचो स्कूल, जहाँ पर 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी. तो जाके एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पर क्या क्या है. एंड आज हम लोग बाइक्स पे नहीं जा रहे, हम लोग सीधा सीधा कार पे जा रहे हैं क्योंकि वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर ले एज मच एज वी कैन. तो निकल रहे यार फिर. यार अभी हम लोग रैंचो स्कूल में आ चुके हैं जहाँ 3 इडियट्स की पूरी शूट हुई थी, जितना भी स्कूल का सेशन था. जब चतुर फरहान और राजू वापस रैंचो को घूमने आते हैं तो वो शॉट यहीं पर लिए गए थे. मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ जो इस कैफे में लगी हुई हैं. As you can see in the background, 3 dates की पूरी फोटोज लगी हैं. यहाँ पर बहुत सारे सीन शॉट्स हुए हैं एंड वहाँ पर एक स्कूल भी है जो कि 2 बजे के बाद खुलेगा. टाइम अप्रॉक्स 2 बजने वाले हैं तो वहाँ जाकर के देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर. सो अभी हम लोग स्कूल के कैंपस में एंटर हुए हैं. नाउ वी विल बी हेडिंग ऑफ टू द लोकेशन जहाँ पर वो सूसू वाला सीन शॉट किया गया था मूवी में. ऑन द राइट साइड ऑफ द कैंपस ये सब स्कूल का एरिया है एंड ये बच्चों का प्लेग्राउंड है एंड देयर इज द हॉस्टल ऑफ द स्टूडेंट्स. सो दिस इज द पॉइंट वेयर द मूवी वाज शॉट. So right now we are at the location where वो जो शॉट सूसू वाला शॉट हुआ था एंड वो ऊपर से जहाँ से वो लाइट वाला बल्ब आ रहा है वो वहाँ से तार फेंका गया था. चतुर वाज स्टैंडिंग राइट देयर वेयर दैट बल्ब इज. अभी इस टाइम पे वी आर ओनली अलाउड फॉर दिस पॉइंट बिकॉज इट्स क्वाइट लेट इन द नून एंड स्कूल की क्लासेस चल रही है तो वी आर नॉट अलाउड और जगह जाने पर जहाँ पर मूवी शॉट हुई थी. तो यार अब लोगों ने ये प्लेसेस देख ली है एंड अब इसके बाद हम लोग और प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं ले में. तो अभी हम लोग नई प्लेस पे आए हैं, दैट इज ले पैलेस इन ले लद्दाख एंड ऊपर जा रहे हैं अभी और आगे एक पैलेस भी है. सो वी हैव जस्ट एंटर्ड द ले पैलेस एंड यहाँ की रूफ टॉप बहुत नीचे है क्योंकि पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो छोटे कद के लोग होते थे, इस वजह से यहाँ का जो रूफ टॉप है वो बहुत ज़्यादा नीचे है एंड जो रूम के जो एंट्रेंस है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे है. आप देख सकते हो ये कितना छोटा एंट्रेंस है हमारे पास. तो ये पैलेस बहुत ज़्यादा पुराने हैं एंड अंदर ही जा करके यहाँ कोम्स बने हैं हाउसेस के. फ्रॉम दिस पॉइंट गाइज यू कैन सी ऑलमोस्ट एवरी आउंस ऑफ ले. वहाँ से हम लोग आए थे, दैट वी हैव गॉट द एयरपोर्ट, वो रही हमारी पार्किंग एंड वहीं गई हमारा होटल होगा. बहुत सही लोकेशन है यार यहाँ पर. जो व्यू है मेरे पीछे का दैट इज़ इनक्रेडिबल. पीछे पूरे माउंटेन्स हैं एंड बीच में छोटा सा शहर है. पीछे जो माउंटेन्स है उन पे अभी भी स्नो जमी हुई है तो यू कैन एस्टिमेट अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है एंड अभी भी यहाँ पर स्नो है तो सर्दियों में तो ये ले पूरा कवर्ड रहता होगा. सो नाउ इट इज़ द टाइम टू से गुड बाई टू ले पैलेस. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था यहाँ पर एंड लोकेशन वेयर आउट ऑफ द बॉक्स. बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर एंड लेह लद्दाख इज़ एन ऑसम प्लेस. सो यार इट्स द इवनिंग इन लेह लद्दाख एंड अभी हम लोग शांति स्तूपा आ रखे हैं. यहाँ से लद्दाख का व्यू ही कुछ अलग है. बेसिकली इट इज़ द प्लेस वेयर यू मेडिटेट एंड ऑल द थिंग्स हैपन. यहाँ से मैंने नाइट व्यू लिया है लेह लद्दाख का, तो हैव अ लुक एट इट. सो गाइज दिस इज़ हाउ लेह लुक्स एट नाइट एंड दिस इज़ द एक्सक्लूसिव फुटेज दैट आई एम शोइंग यू. आप लोगों के लिए मैं इतनी रात को यहाँ पर आया हूँ. Just a child, but I'm still young. And we keep shining.